वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे PTSD भी कहते हैं। ये एक साइकाइट्री का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर की पेशेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर नेम है, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डायग्नोसिस वगैरह लिख लेंगे। इसके बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिख लेंगे पेशेंट की, या प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट आएगी। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट के बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे अगर कोई प्रेजेंट है तो। उसके बाद में पास्ट साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की पेरीनेटल हिस्ट्री लिखेंगे पहले, उसके बाद में चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे। ये चाइल्डहुड हिस्ट्री हो जाएगी पेशेंट की। इसके बाद में एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे उसकी, भाई पढ़ाई चालू कब की थी, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, टीचर और पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन कैसा था, स्कूल फोबिया वगैरह तो नहीं था, ये चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे। प्ले हिस्ट्री लिखने के बाद में इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट अगर कोई सी थी तो वो लिख लेंगे, जैसे कि ड्रग एब्यूज़ वगैरह कुछ था या फिर स्पेसिफिक इमोशनल प्रॉब्लम वगैरह कुछ था तो वो लिख लेंगे हम। इसके बाद में हम प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। प्यूबर्टी के बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद में मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे। मैरिटल हिस्ट्री लिखने के बाद में प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी लिख लेंगे, भाई IPR कैसा है पेशेंट का, फैमिली एंड सोशल रिलेशन कैसे हैं, यूजुअल रिएक्शन टू स्ट्रेस कैसा है, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, ये लिख लेंगे हम। इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर जनरल चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लिख लेंगे अगर कोई प्रेजेंट है तो। इसके बाद जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले वाइटल्स लिख लेंगे हम पेशेंट के, वाइटल्स के बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लेंगे, एब्डोमन के बाद में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देख लेंगे, लिम्फ नोड वगैरह, पेल्विक एग्जामिनेशन और एनी अदर साइन अगर कोई भी एबनॉर्मल दिखता है तो वो चीज़ें लिख लेंगे हम। इसके बाद में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में लिखेंगे हम, जिसमें अपीयरेंस हो जाएगा, फेशियल अपीयरेंस हो जाएगा, लेवल ऑफ ग्रूमिंग मतलब कपड़े कैसे पहन रखे हैं, वेल ड्रेस्ड है या नहीं है। इसके बाद कॉन्शियसनेस देख लेंगे पेशेंट की। इसके बाद बिहेवियर, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, अदर कोई मूवमेंट है तो, अदर कैटरोनिक एक्टिविटी है, हेलुसिनेशन बिहेवियर वगैरह कुछ है तो ये चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद में हम स्पीच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसके अंदर की सबसे पहले तो इनिशिएशन ऑफ स्पीच कैसा है, इनिशिएशन के बाद रिएक्शन टाइम कैसा है, रिएक्शन टाइम के बाद रेट, प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्शन के बाद टोन कैसी है स्पीच की। इसके बाद हम मूड एंड अफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है या फिर अदर कोई है। इसके बाद थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम, ठीक है। आप आराम से वीडियो पोस्ट करके क्वालिटी हाई करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम परसेप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। परसेप्शन के बाद कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि कॉन्शियसनेस कैसा है, अटेंशन, ओरिएंटेशन, जजमेंट कैसा है पेशेंट का, ठीक है। इसके बाद मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मेमोरी के बाद में मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे कि हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है या फिर डिक्रीज एक्टिविटी है। इसके बाद में हम इनसाइट लिख लेंगे पेशेंट की, रिलेटेड टू 1 to 6 point scale। इनसाइट के बाद में नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे, जो भी हमको फुलफ़िल करनी है पेशेंट से रिलेटेड, जो भी नीड है, ठीक है। इसके बाद में हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे डिजीज़ का, भाई ये डिजीज़ होती क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे इसका, इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन के बाद में हम एटियोलॉजी लिख लेंगे, कॉजेज़ क्या क्या होंगे इसके होने के, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स लिख लेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी देखने को मिल रहे हैं हमको पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम्स के बाद में हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिख लेंगे, हमने कौन कौन सी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन किया है। इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या यूज़ किया है, ट्रीटमेंट के बारे में लिखेंगे हम। और ट्रीटमेंट लिखने के बाद में हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, जिसके अंदर कि हम सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, भाई हमने पेशेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें असेस की हैं वो लिख लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम NCP बनाने वाले हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम NCP बनाएंगे। ये हमारा NCP का फॉर्मेट हो जाएगा, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन। पहला NCP बना लेंगे हम फियर एंड एनजाइटी के ऊपर। आप वीडियो पॉज करके क्वालिटी हाई करके आराम से लिख सकते हैं। ये हमारा पहला NCP हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड NCP हो जाएगा हमारा इनएफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग के ऊपर, ठीक है।
ये सेकंड एनसीपी लिख लेंगे हम। इसके बाद में हम थर्ड एनसीपी लिख लेंगे लो सेल्फ स्टीम का। ये हमारा थर्ड एनसीपी हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ एनसीपी लिख लेंगे हम डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न का। इसके बाद में हम लास्ट में नॉलेज डेफिशिएट का एनसीपी बना लेंगे एक। ये हमारा नॉलेज डेफिशिएट का एनसीपी हो जाएगा। ये आप आराम से लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे, पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ये हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन के बाद में हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे। भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है, ये बिब्लियोग्राफी हो जाएगी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।